नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं एएच न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। जियागोड़ा डिवीजन जियागोड़ा टीआरएस कोऑपरेटर मित्रा कृष्णा जी ने जियागोड़ा संजय नगर डबल बेडरूम हाउस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाटर वर्क डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट जीएचएमसी ऑफिसर जियागोड़ा टीआरएस मित्रा कृष्णा जी के साथ आज सभी मिलकर ऑफिस पर इंस्पेक्शन किया है और बहुत ही जल्द डबल बेडरूम दिया जाएगा, ऐसा जियागोड़ा मित्रा कृष्णा जी का कहना है। जियागोड़ा डिवीजन वार्ड ऑफिस के धरणी के नोडल ऑफिसर शंकर जी और उनके पुलिस ऑफिसर राजू जी, इन सबके नेतृत्व में धरणी आपके कार्यक्रम को स्वीकार करते हुए हम सब लोग मिलके जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो सपना है, बंगारू तेलंगाना का सपना, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन माने अपना प्रॉपर्टी को अपने अंडर में रख लेने के लिए गवर्नमेंट के तालुका से जो जो भी प्रॉपर्टीज है हम लोग जीएचएमसी के सामने रख रहे। जैसा कि मैं एक कारपोरेटर, मेरे एक एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ है, एक मकान तालागड्ढे में, एक मकान या जियागुड़े में, ये सब हम लोग गवर्नमेंट को अगर बताने से हमें भी मालूम होता कि जैसा कि एग्रीकल्चर लोगों को पट्टा पासबुक देते, उसी तरह यहाँ पर सिटी में रहने वालों को भी एक नया किस्म का पासबुक दे रहे। इसके लिए हम घर घर को जाके अगर किसी का डॉक्यूमेंट चले गए या कुछ भी गए तो हम ऐप के द्वारा हम लोग हमारे व्हाट्सएप में रख ले सकते, अपने हमारे सेल में रख ले सकते। इसका इससे मेन आपको प्रॉफिट क्या है, जहाँ पर भी जाएंगे या कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ेंगी, या कोर्ट हो, कचहरी हो, या जमानत हो, या नहीं तो आपको लोन हो, इसका पूरा आपको इमीडिएटली अपडेट रहने के लिए हम धरने आप गवर्नमेंट के थ्रू घर घर जा रहे। थोड़े लोग राजनीति दुष्ट प्रचार करके, चार मकान रहे तो चार टैक्स भरना पड़ता, एग्रीकल्चर रहे तो एग्रीकल्चर टैक्स भरना, ऑलरेडी अपन लोग हम बन रहे थे, नहीं बोल के नहीं, जो हमारे पास जो रहेगा जो गवर्नमेंट टैक्स डालती वो तो बन रही थे, इसमें कोई नया नहीं है। तो ये जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन इससे हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में रहेंगी, जब कभी भी हम अगर किसी को बेचना चाहें तो हमारे मुट्ठी में रहता, जो डेटा पूरा हमारे साथ बात रहता। इसी भावना को लेके हमारे नोडल अधिकारी शंकर जी और राजू जी और मैं, जितने भी हमारे एरिया सभा वार्ड मेंबर्स हैं, सभी को मैं चौकस करते हुए अभी बस्ती बस्ती जाकर जो जो लोग अपना घर है, चाहे वो किराए का हो या ऊन हो या लीज हो या सीलिंग हो, व्हाटएवर इट में भी जो भी है, आप अपना डिक्लेरेशन गवर्नमेंट तक देने से गवर्नमेंट को एक आपका जो 22 जो प्रॉपर्टीज है वो आप लोगों के लिए भी अच्छी चीज़ होता, गवर्नमेंट के भी लिए अच्छा होता। जो स्कीम्स है जो वेलफेयर के तालुका से घर घर को पहुंचने के वास्ते गवर्नमेंट को एक अच्छा रास्ता मिलेगा, इसी भावना को लेके हम जियागुड़े में जो बैकवर्ड लोग हैं, थोड़े लोग सियासतदार इसको गलत करके ऑफिसरों के ऊपर दौरजन करना, ऑफिसरों को गुमराह करना, पब्लिक को गुमराह करके अगर डिक्लेरेशन करने से करें तो बहुत सारा टैक्स आता, बहुत सारा इनकम टैक्स आता, सेल टैक्स आता, कमर्शियल टैक्स आता, रगरगा आप जो बदनाम कर रहे दूसरे वो पूरा गलत है। ऐसा कोई नहीं है जो डिक्लेरेशन फाइल करते ही टैक्स भरने का, ये कोई मंसूबा नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट तो यही चाह रही कि आवाम को जहाँ से ज़्यादा सहूलत होना चाहिए, उनके प्रॉपर्टी को अगर काम भी रह के भी अगर कोई बेच रहा है करने के आते एक नीड डिक्लेरेशन के आते, ये जो याप और धरनी का जो हम लोग याप तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है जो 22 डॉक्यूमेंट के आते कर रहे हैं, इसको पूरी प्रजा सहायता करना, उनके मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ। थोड़े लोगों का एक मंसूबा रहता गवर्नमेंट जो सा भी अच्छा काम करेंगे उसके ऊपर दुष्प्रचार करना, ये तो उनका पेशा ही है। मैं पार्टियों का नाम नहीं लेता हूँ, थोड़े ऐसे पार्टी है मजहब के नाम पे जो भक्ति के नाम पे जो करते, ये लोगों का चारा ही वही है, जो गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो उसके ऊपर अफवाह उड़ाना, बुराई करना, ये आवाम जानती वो करेक्ट टाइम पे जवाब उन्हें देंगे। हम यहाँ सियासत कैसे नहीं कर रहे, ये केवल प्रजा के हित के वास्ते, प्रजा का ये जो प्रॉपर्टी है उनका, उनको सहूलत से रहने के वास्ते ये जो कार्यक्रम किया।
प्रजा पूरा सहायता करना मिलके विनायक भाई मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जय तेलंगाना। ये सर्वे का प्रक्रिया फिर स्टार्ट हो चुका है। मैं इसका मतलब यही चाहिए कि डिक्लेरेशन सेल्फ देने से उनकी प्रॉपर्टी उनके हाथों में रहेंगी, उनके नजरों में रहेंगी, उनके अपडेट रहेंगी, काम भी जाएंगे तो ये मेरे बच्चों के नाम पे, मेरे नाम पे एक उनको डिटेल रहना चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस भी होगा तो ये आपके द्वारा उन काम भी लेने का एक अच्छा मौका है। ये मौके को सदयूज करना मिलकर मैं आवाम से दख रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर।